क्या आपने कभी विशिंग वर्ड सुना है? क्या आपको विशिंग के बारे में पता है? अगर आपको विशिंग के बारे में नहीं पता तो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार विशिंग के जरिए इनोसेंट यूजर के साथ फ्रॉड किया जाता है, साथ ही हम आपको उससे बचाव का तरीका भी बताएंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं अनरिवील्ड फैक्ट्स ऑफ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में काफ़ी सारे कार्य आसान तो हो गए हैं जिन्हें करने के बारे में कभी हम सोचते भी नहीं थे, सोचना भी नामुमकिन हुआ करता था, आज वो हमारे फिंगर टिप पे संभव है। मगर इसी बीच साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो कि लगातार बढ़ती जा रही हैं। साइबर क्रिमिनल धोखा देने के लिए, आपकी मेहनत की कमाई लूटने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में से एक तरीका है विशिंग का। आखिर क्या है विशिंग? सबसे पहले हम आपको बता दें कि फिशिंग, फा वाला, फिशिंग एंड विशिंग दो अलग अलग वित्तीय धोखाधड़ी है। तो आप धोखा में नहीं रहिएगा क्योंकि आपने फिशिंग शब्द तो सुन रखा होगा। फिशिंग वो तरीका है जिसमें अपराधी ईमेल द्वारा लोगों को धोखा देते हैं, ठगते हैं या गुमराह करते हैं, जबकि विशिंग फोन पर ही फिशिंग है, जहां स्कैमर्स बैंक स्टाफ या अन्य वित्तीय सेवा कर्मचारी के रूप में लोगों को निजी जानकारी साझा करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। विशिंग एक ऐसा तरीका है, आप सीधा सीधा समझें, जिसमें जालसाज या हैकर्स फोन द्वारा आपकी जानकारी हासिल करते हैं और आपका खाता यानी बैंक अकाउंट खाली कर जाते हैं। विशिंग के जरिए फ्रॉड करने वाले लोग किसी को भी कॉल करते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में वे बड़े चालाकी से लोगों की जानकारी, निजी जानकारी चोरी कर जाते हैं, यानी आपको बेवकूफ बनाकर अपनी मीठी मीठी बातों में, लालच में फंसा कर फ्रॉड का शिकार बनाते हैं। चोरी होने वाली इन जानकारियों में ज़्यादातर बैंक यूज़र आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, कार्ड पिन, सीवीवी नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी शामिल होता है, ये आपसे मांगा जाता है। जबकि विशिंग जब की जाती है तो आपको फ्रॉड करने वाले लोग बैंक से संबंधित अधिकारी बनकर बात करते हैं। फ़ोन पर यह आपसे बोला जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है या फिर कोई अन्य कमी रह गई है जिसके चलते आपसे ये सब जानकारी मांगी जा रही है। आपको पूरी तरह से विश्वास में लिया जाता है और आपको डरा भी दिया जाता है और आपको भी लगने लगता है कि कहीं आपका अकाउंट बंद ना हो जाए। इस वजह से घबराहट में आप भी बिना सोचे समझे वो सब जानकारी उनसे शेयर कर देते हैं। बाद में उन सभी जानकारियों का इस्तेमाल आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने के लिए या चोरी करने के लिए किया जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि इससे बचाव के लिए क्या करें? अगर आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो उस दौरान आपसे किसी प्रकार की निजी जानकारी जैसे बैंक यूजर आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, कार्ड पिन, सीवीवी, आधार कार्ड इत्यादि संवेदनशील दस्तावेजों के बारे में पूछा जाता है, साथ ही ऐसी संदिग्ध कॉल में लोगों से उनका पहला नाम और आखिरी नाम पूछा जाता है, जिससे कि उनका काम यानी हैकर्स का काम आसान हो जाता है। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और उनको ये सारी जानकारी देने से पहले आपको एक बार ये समझना चाहिए कि कहीं आप फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार किसी भी कॉल में आपको कोई भी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, साथ ही इस तरह की कॉल के बारे में आपको पुलिस में रिपोर्ट भी करनी चाहिए और फिर बैंक को इसकी जानकारी देनी चाहिए। वहीं उसके तुरंत बाद ही आपको अपने बैंक अकाउंट के पैसे को तुरंत चेक करना चाहिए। अगर आपको उसमें कोई भी कटौती लगती है तो आपको उसकी शिकायत बैंक में तुरंत ही करनी चाहिए। तो इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।